देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है किसी भी तरीके से इस बिजनेस पर, ठीक है ना। और हम ये भी पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि जो आपका बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज कई तरीके की होती हैं, लेकिन मेनली यहाँ हम तीन एक्टिविटीज को लेकर चलेंगे। एक तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों एक्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, और क्या इनके बीच डिफरेंस है, ठीक है ना। वो भी हम यहाँ से इनके मीनिंग से ही पता कर लेंगे कि इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस के बारे में कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहली बात, बिजनेस की जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो इस वर्ड का जरूर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि बिजनेस एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी तो है, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम कह रहे हैं कहेंगे यहाँ कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। ये एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं गुड्स का प्रोडक्शन करना, गुड्स को परचेज करना, सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन कंज्यूमर्स, ठीक है ना, जिन्हें उसकी नीड है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना उसका गुड्स का, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई करना, ठीक है ना, अपने जिन्हें उनकी नीड है उन तक उनकी सप्लाई पहुंचाना, ठीक है ना। लेकिन सबसे मेन पॉइंट विद द एम ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना। उनकी मेन एम क्या होगी? उनकी मेन एम होगी प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। बिजनेस की मेन एम प्रॉफिट अर्निंग होगी, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम कुछ निश्चित जो है ना एक्टिविटीज को लेते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, या फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, इन सब एक्टिविटी को लेते हैं और विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो मेन उद्देश्य होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं प्रोफेशन की। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जानते हैं कि प्रोफेशन भी आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसमें जरूरत किस चीज की होती है, एक स्पेशल नॉलेज की एंड स्किल, स्पेशल स्किल, किसी एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स फॉर अर्निंग देयर लिविंग, जिसे एक इंडिविजुअल जो है ना अप्लाई करता है अपने वर्क पर, ठीक है ना। उसका मेन मोटिव क्या होता है जो है ना अर्निंग लिवलीहुड, यानी कि एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो उसे एक इंडिविजुअल अपने वर्क पर अप्लाई करता है अपनी आजीविका को कमाने के लिए, वो बोला जाता है आपका प्रोफेशन। बिजनेस की बात करें, बिजनेस का एक एग्जाम्पल कौन सा था? आपका कोई भी प्रोडक्शन बिजनेस लगा लो, सेलिंग बिजनेस लगा लो, जैसे आपका अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपकी कोई भी बात सोप होंगी, सर्फ होंगे, चाय, इस तरीके का कोई भी प्रोडक्शन, कपड़ों का कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो किस चीज़ के अंदर आएगा? बिजनेस के अंदर। उसके बाद आपके ऑनलाइन ट्रेड आते हैं सारे, स्नैपडील वगैरह, ये कौन से होंगे आपके? ये होंगे आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि खरीद बेच सर्विसेज का, एक बैंकिंग सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी आपके बिजनेस के अंदर आ गए। जबकि बात करते हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन में होता क्या है कि यहाँ पे आपको एक स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज की जरूरत है। जैसे कि हम बात करते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट की। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है? बड़े बड़े फर्म्स के या कोई छोटी फर्म्स हो उसके अकाउंट्स तैयार करता है। तो उसके लिए क्या है कि वो ऐसे ही अकाउंट्स थोड़ी तैयार कर देगा, नहीं, उसके लिए क्या होगा कि स्पेशल स्किल की जरूरत होगी, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है ना, जिसे वो अपने वर्क पर अप्लाई करता है टू अर्निंग लिवलीहुड, अपने जीवन यापन को, जीवन को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट है क्या? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि फॉर लिवलीहुड की जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, जिनमें क्या होता है कि एक आदमी दूसरों के लिए काम करता है एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न, और उसके बदले में कुछ पैसा लिखता है अपने जीवन को चलाने के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखो एक मिस्टर ही है,
वो एक फैक्ट्री है एक्सवाइजेड, उसके अंदर वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे एक एज एम्प्लॉई है क्योंकि वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, जो काम वहां पे करेंगे वो दूसरे का करेंगे, बदले जो है ना कुछ रेमुनरेशन लेंगे, ये बोला जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट।